कर्नाटक में बूंद बूंद पानी को तरस रहे लोग, क्या पूरे भारत में आने वाला है पानी का संकट? जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि इस वक्त कर्नाटक में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। यहां तक कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बेंगलुरु के घर का बोरवेल सूख चुका है, और तो और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के घर पर भी पानी की एक बूंद तक नहीं है। जी हाँ, पानी की एक बूंद तक नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अभी गर्मी का मौसम शुरू भी नहीं हुआ और देश के आईटी हब बेंगलुरु के 40 बोरेवेल सूख चुके हैं। यहां तक कि सरकार में सबसे उच्च पद पर बैठे दोनों नेताओं का हाल देखकर शहर के आम लोगों की मुश्किलों का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि कर्नाटक के कई शहरों में ग्राउंड वाटर 1800 फीट से नीचे चला गया है। पानी के टैंकर्स के दाम दोगुने हो गए हैं, वो भी बड़ी मिन्नतों के बाद मिल पा रहे हैं। यहां तक कि बेंगलुरु ने अपने 500 सालों के इतिहास में पीने के पानी का इतना बड़ा संकट कभी नहीं झेला। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब कर्नाटक में पानी बिल्कुल खत्म होने वाला है, और क्या भारत के कई शहर भी कर्नाटक की तरह ही पानी के संकट का सामना करने वाले हैं। दरअसल गर्मी की शुरुआत के पहले ही कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पीने के पानी की किल्लत से जूझ रही है। लाखों लोग यहाँ पानी की कमी से परेशान हैं। कर्नाटक के लोग पानी के लिए निजी टैंकरों पर निर्भर हैं, लेकिन पानी की कमी को ये भी पूरा नहीं कर पा रहे। सरकार की ओर से लोगों को समस्या से निजात दिलाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों से कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। शहर के कई इलाकों में जलापूर्ति ठप है, ऐसे में लोगों को निजी टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक शहर के तकरीबन 60% आबादी इन्हीं टैंकरों के सहारे पानी की कमी को पूरा कर रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री आवास में भी पानी की किल्लत बताई जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास में पानी के टैंकर आते जाते देखे गए हैं। बेंगलुरु में एक हाउसिंग सोसाइटी में जल संकट के चलते पीने के पानी का दुरुपयोग करने वालों पर ₹5,000 का जुर्माना लगाने का नोटिस लगा दिया गया है। ऐसे ही नोटिस कई और सोसाइटियों में लगाए गए हैं। साथ ही स्थिति पर नजर रखने के लिए एक विशेष सुरक्षा कर्मी भी तैनात किया गया है, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्नाटक में और खास तौर पर बेंगलुरु में पानी की कितनी किल्लत है। दरअसल बेंगलुरु में करीब 200 करोड़ लीटर पानी की खपत है, जिसमें 145 करोड़ लीटर कावेरी नदी से 55 करोड़ बोरवेल के जरिए आता है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक में बारिश सामान्य से कम दर्ज की गई है, ऐसे में कई बोरवेल सूख गए हैं और कई जगहों पर भूमिगत जल स्तर काफी कम हो गया है। शहरों में पेड़ कम हो जाने की वजह से अब पहले की तरह भूमिगत जल नहीं बचा है। इसके अलावा टैंकर माफिया को भी इस जल संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जल माफिया लगातार पानी पंप किया करते हैं, जिसकी वजह से समस्या खड़ी हो रही है। खैर, पानी के लिए पूरे शहर में लोगों की कतार देखी जा सकती है। लोग घंटों लाइन में लगकर ₹5 में 20 लीटर पीने का पानी खरीद रहे हैं। कोचिंग सेंटरों ने भी आपात स्थिति की घोषणा करते हुए छात्रों से ऑनलाइन कक्षाएं लेने को कहा है। स्थिति इतनी खराब है कि सरकार ने अब विशेष तौर पर पानी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। बेंगलुरु के पुराने इलाके में पाइपलाइन के जरिए पानी की आपूर्ति की जाती है, वहीं नए इलाकों में टैंकरों और बोरवेल के जरिए पानी सप्लाई होता है। दूसरी ओर इन आवासीय परियोजनाओं की वजह से पिछले एक दशक में बेंगलुरु का वन क्षेत्र 38% से घटकर 20% से कम हो गया है। पहले शहर में 108 छोटे मोटे तालाब और झील हुआ करती थी, जो अब कम होकर केवल 36 ही बची हैं, जिससे पानी का संकट और गहरा गया है। फिलहाल सरकार ने बेंगलुरु में कोई कार धोने, गार्डन में पानी देने या निर्माण कार्य में पाइप से पानी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ऐसा करने वालों पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने टैंकर मालिकों को चेतावनी जारी की है कि अगर वो टैंकरों का पंजीकरण नहीं कराते तो उनके टैंकर जब्त कर लिए जाएंगे। सरकार अब दूध के टैंकरों से पानी की आपूर्ति करने की योजना बना रही है। ये बात हुई कर्नाटक की, लेकिन अगर आप पूरे देश की बात करें तो देश में जल संकट लगातार गहरा रहा है, जिसके बारे में भी आपको बता देते हैं।
दरअसल संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक भारत में जल संकट बहुत बढ़ जाएगा। आशंका जताई गई है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी हिमालयी नदियों का प्रवाह कम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और तमिलनाडु ड्राई जोन की श्रेणी में आते हैं। वहीं देश का 41.82% हिस्सा सूखाग्रस्त है। 2021-22 में आई कैग की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और काफी हद तक उत्तर प्रदेश में 100% भूमिगत जल का दोहन हो रहा है, जिससे पानी का संकट गहरा जाएगा। साथ ही सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के करीब 25 शहर 2030 तक डे जीरो की कगार पर होंगे। डे जीरो का मतलब पानी की आपूर्ति के लिए पूरी तरह अन्य साधनों पर आश्रित हो जाना। वर्तमान में इस वक्त देश के 21 प्रमुख शहरों में लगभग 10 करोड़ लोग जल संकट की समस्या से जूझ रहे हैं। साल 1994 में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर थी, जो 2025 तक घटकर 1600 घन मीटर रह जाने का अनुमान है। इसके बावजूद बढ़ती आबादी जल संकट को और गहरा करेगी। अब इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे पूरे देश में पानी का संकट गहराने वाला है, और अगर पानी को नहीं बचाया गया तो आगे आने वाला समय काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हमारी भी आपसे अपील रहेगी कि पानी को बचाइए, उसे बर्बाद मत करिए, नहीं तो बेंगलुरु जैसा हाल आपके शहर में भी हो सकता है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।